हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है संडे, हम लास्ट संडे को आए थे, तो इसका मतलब आज हमें हो गया है पूरा एक हफ्ता गाज़ियाबाद आए हुए। और हम बहुत सारी जगह घूमने को नहीं जा पाए हैं क्योंकि ठंडी के चलते ना बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। कभी कभी निकल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, जा रहे हैं बीच बीच में, लेकिन जैसे हम डेली सोच के आए थे कि हम कहीं ना कहीं डेली का प्रोग्राम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जैसा कि टाइम हो चुका है, सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारा वैभव पाठक कहाँ होगा वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैभव पाठक अभी बिस्तर में ही हैं। ओहो, ऐसी घोर निद्रा में सो रखे हैं। देखो 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 देखो, पूरा छुट्टियों का और दादा दादी के घर का पूरा मजा उठा रहा है वो, कि मतलब जैसे दोबारा सोने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ओए, 11 बज चुके हैं। गुन्नू बाबू, सो जा, बाहर वैसे भी ठंड हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी वैभव भी सोए हुए हैं, वैभव के चाचा भी सोए हुए हैं और वैभव की दादी गई हुई है नहाने, और वैभव के दादाजी नहा चुके हैं, वो लेटे हुए हैं फिलहाल। मैंने उनको एक एक बार और चाय दे दी है अभी, और अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले पूछ लिया कि क्या खाएंगे। दाल भात तो हम कम ही बनाते हैं क्योंकि ठंडी के मौसम में, फिर भी मैंने पूछा आज संडे है, दाल भात खाओगे? तो दाल भात के लिए सभी ने मना किया रखा है, तो मैं बना रही हूँ फिर से वही रोटी सब्जी। तो मैं जाती हूँ किचन में, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। फ्रेंड्स, एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गई हूँ कि मैं ना ससुराल आ करके बहुत, मतलब मोटी तो पहले भी थी, अब ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। ससुराल का खाना ना मैं ज़्यादा खा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, क्या करूँ। अब वापस जब रामनगर पहुँच जाऊँगी फिर मुझे लगता है डाइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये, हाँ, मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करूँगी। मैं डाइटिंग कहीं नहीं करती हूँ वैसे भी, तो जो भी है मैं मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। गया गया। फिर से क्या? फिर से क्या ना? वाओ, बर्बाद करते मेरे को। जा इधर को तो देख, अच्छे लग रहे की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, दोपहर के खाने में हम बना रहे हैं रोटी सब्जी। तो फिर मैं बना रही हूँ फिलहाल आलू और गोभी की सब्जी, और फिर साथ में बनाऊंगी रोटियाँ क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ठंड। और ये जो मेरे देवर हैं ना, ये मेरी हेल्प करवाते रहते हैं, ईजा की भी हेल्प करवाते रहते हैं, बस नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ एक शादी नहीं कर रहे हैं, और इनके लिए लड़कियां खूब सारी ढूंढ दी हैं हमने, ये मना क्या दे रहे हैं क्या करें, लेकिन कोई हो तो नज़र में, किसी को अगर ये आ रहे हैं पसंद तो बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि जब मैं अगली बार गाज़ियाबाद आऊँ तो मेरी हेल्प ये ना करे, मेरी देवरानी करे। ईजा मटर छील रही हैं अभी, देखो इधर को ऐसे करो। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दगड़ियो, हेलो दगड़ियो, वाइला टेंशन कर, टेंशन वो नाथ मुझे अच्छा करना है ना, कौन बेटर लगती थी अब तुम्हारा, अभी खाओ। तो उधर सब देख रहे हैं फिल्म। तो दोस्तों, हो चुका है हमारा रात का खाना, और शाम को 5:30 बजे शेखर से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मैं अभी निकल रहा हूँ दोस्तों के साथ और 11:30 तक पहुँच जाऊँगा। तो थोड़ी देर में ही शेखर भी पहुँच जाएंगे, उनके लिए मैंने 2 फुलके सेक के रख दिए हैं, उस टाइम बस गर्म कर दूँगी वो, मतलब उनको सेक दूँगी एक बार, तवे पे जाएंगे वो भी।
और आज ना मेरा पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है, हो सकता है ठंड लग गई हो, लेकिन मेरी कैप भी नहीं उतरी रहती है पूरे दिन भर, पता नहीं क्या बात हो गई है। तो सर में बड़ा तेज़ दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा के मालिश करूँगी, और हो सकता है मुझे सर्दी की भी वो लग रही है थोड़ा बहुत कि कोल्ड होने वाला है करके, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगले हफ्ते हमें शादी अटेंड करनी है, तो शादी से पहले मुझे कोल्ड को जितना भी हो रहा है यहीं पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा एकदम। तो उसके लिए मैं लगाती हूँ बाम। दगड़ियों लगे हैं मैं शेखरल जी बिछौन, यह देखो एकदम बिछौन लगे हुए रखे लो ओढ़ ले ताकि वो एन जब थे बिल्कुल उनके के उन्हें हर जहन परेशानी, क्योंकि दोस्तों सच में बाहर बहुत ठंड है और किसी का भी मन करेगा कि बाहर की ठंडी से एकदम से बिस्तर मिल जाए तो आराम से सो जाएंगे। फिर वो फाइनली पहुँच चुके हैं शेखर, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था वैभव भी, और उसने 10 चक्कर लगा दिए थे गेट के, वाकई में लगा दिए थे, तो गेट खोलने की बारी भी उसी की थी। और मेरे को तो नींद भी आ गई है, 2-3 नींद मैंने ले ली है, टोपा देख लो मेरा। तो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड क्योंकि रात के 1 बज चुके हैं, और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।